बॉल छह रन सात भाग क्या दूसरी बार पिछले हाथ का खेल है ही हमारा। गाइस शायान एक बार फिर से 6 साल पीछे चले गए। 4 साल के थे तो शायान की मुलाकात रॉबिन उथप्पा सर से हुई थी। हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के 10:24 हुए हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत हमारी यहीं से होती है। सोच रहा हूँ इस कमरे को स्टूडियो बना दूँ, कैसा रहेगा? यहाँ पे लाइट भी अच्छी आती है ना, देखो इधर से खिड़की है ना तो लाइट भी अच्छी आती है। क्या तुम्हारी क्या राय? देखो शायान क्या कहते हैं, शायान पढ़ाई लिखाई शुरू कर चुके हैं, बच्चे सब अपनी अपनी पढ़ाई में लगे। इधर साइशा अपने नए वीडियो की तैयारी में लगी हुई है। द एक्सप्लोरर चैनल पे नया वीडियो आने वाला है तो उसकी तैयारी में लगी हुई है और सनाया यहाँ पढ़ाई कर रही है, सब अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। और ये देखो एक खास बात, ये शायान ने अभी बनाया है ये प्लास्टिक के बैट को ना इंग्लिश विलो बना दिया है। यार ये क्या क्या करते रहते हो तुम हैं? हाँ भाई, ये क्या किया तुमने, ये इंग्लिश विलो प्लास्टिक के बैट को क्यों बना दिया? ये इंग्लिश विलो से क्योंकि मुझे खेलना पसंद है और ये मेरा बचपन का बैट है तो मैंने इसे आर्टिफिशियल इंग्लिश विलो बना दिया। वाह क्या बात है, चलो अब पढ़ाई कर लो। चलो यार जल्दी से अब नहा धो के फ्री हो जाता हूँ क्योंकि ना सुबह उठते ही थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज किया, उसके बाद ब्लॉगिंग शुरू कर दी। 10:30 हो गए हैं और अभी तक नहाया भी नहीं हूँ। जल्दी से नहा धो करके फ्री हो जाता हूँ, ब्रेकफास्ट भी करना है, उसके बाद शॉप भी जाना है, बहुत सारा काम है आज। बच्चे से पढ़ाई में लग रहे हैं और इधर बन रहा है आलू का पराठा है ना। हाँ। सनाया सनाया कहाँ गई? शायान चलो तुम्हारा पराठा तैयार हो चुका है। मेरा नहीं है। किसका है? सन्नो का है। हाँ। तो तुमने कैसे पहचान लिया? अच्छा तो ये सन्नो का प्लेट है, वाह क्या बात है। तुम्हारा प्लेट कौन सा है वो भी दिखा दो दोस्तों, वो निकालो देखो जरा। आज गाइस आज बच्चों के लिए पराठा बन रहा है सुबह सुबह। ओह स्पाइडरमैन वाला प्लेट है तुम्हारा। चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, देखते हैं आज बारिश नहीं हुई तो क्लब जाओगे? हाँ। क्या बात है भाई, आज तो सुबह सुबह ही सारे के सारे पराठा लेके आ रहे हैं, वेरी गुड। हमें छोड़ दिया, आ गई चाय, क्या बात है। आज तो चाय आज बिल्कुल नए कप में, क्या बात है। ओए होए ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग वाला कप है भाई आज तो। अब देखता हूँ चाय कैसी है आज की, चाय तो अच्छी रहती है हमारे यहाँ की। खास बात ये है कि ब्रेकफास्ट के बाद अगर चाय ना पियो ना तो ऐसा लगता है दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। क्या जबरदस्त हरियाली आई है यार तुलसी में, ये देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा था ख़त्म हो गया। और ये बारिशों में ना एलोवेरा ज़बरदस्त हरा भरा हो गया। यार मुझे तो दिल्ली के मौसम का कुछ समझ नहीं आ रहा है, अभी 5 मिनट पहले बारिश हो रही थी और अभी देखो कितनी ज़बरदस्त धूप निकल गई है। सुबह से कभी अंधेरा हो जा रहा है, कभी बिल्कुल हल्की हल्की बारिश हो जाती है। कल भी बहुत ज़्यादा बारिश हो गई इसलिए हम लोग ग्राउंड भी नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट होगा, ग्राउंड कीचड़ होगा तो बहुत मुश्किल है यार। आज का टेम्परेचर अभी फ़िलहाल 31 डिग्री दिखा रहा है बट बारिश कभी भी फिर से हो सकती है। चलो अभी तो फ़िलहाल धूप निकला हुआ है तो आज देखते हैं क्या प्लान बनता है। पापा एक नया पार्सल आया है। क्या है बताना, बताया भी नहीं तुमने, जाओ दिखाओ। कौन सा पार्सल है? अरे वाह क्या आ गया, सीज़र तो ले आते हैं, कैसे खुलेगा सीज़र के बिना। गाइस 2:25 हुए हैं और शायान ये पार्सल लेके आ गए हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। मैं तो आया था अभी, थोड़ा सा बाहर गया था, मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूं। अब शायान रेस्ट तो करने देगा नहीं, ये तो बस आते ही खुशखबरी दे दी। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे भी एक्साइटमेंट है कि इसके अंदर क्या है, ज़रा मैं देख लूँ।
अरे कट जा भाई, कट जा, तो कट के राजी नहीं है। चलो वाह क्या बात है, ये चार नंबर बैट है गाइस, बिल्कुल फैंटास्टिक। क्रिकेट वंडर्स इंडिया के ये सैंपल्स आए हैं और ये तीन नंबर है। तो आप लोगों को अगर तीन नंबर, चार नंबर, एक नंबर, दो नंबर जो चार साल पांच साल के बच्चों का होता है, या फिर छह नंबर, या फिर हैरो, या फिर फुल साइज कोई भी बैट ऑर्डर करना हो, ये बैट 2350 रुपीज ऑनली में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में क्रिकेट वंडर्स इंडिया का नंबर दिया हुआ है, तो आप ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन मैं इसकी रिव्यू जो है वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, अभी फिलहाल मैंने इतना बता दिया है आपको, इसके स्ट्रोक वगैरह सब दिखाऊंगा। तो चलो अभी फिलहाल मैं लंच कर लेता हूँ, क्योंकि बड़ी तेज भूख लग रही है। तुम्हें भी भूख लगी है? लंच की तैयारी शुरू हो चुकी है, 2:45 बजे आज लंच हो रहा है। शायान डफली बजा रहा है प्लेट में, ये क्या चल रहा है भाई, खाने पे फोकस करो। सारे बैठ गए खाने के लिए, सब पूरी फैमिली आज साथ में लंच कर रहे हैं। आज है दाल चावल आलू की सब्जी और चिकन। ये देखो गाइस, एक चीज मैं दिखा रहा हूँ, शायान अपने बैट को पाउडर लगा रहा है। क्या बात है। ये देखो, ये रॉबिन उथप्पा सर का बैट जिसपे की ऑटोग्राफ है तो शायान का बैट, लेकिन रॉबिन उथप्पा का इसपे ऑटोग्राफ है। शायान ने आज निकाला है इसको, इसमें पाउडर लगा रहा है और ताकि इसका जो बिल्कुल गल सा गया है इसका जो ग्रिप था रबड़ का, तो चलो इसको ताकि हाथ भी ना लगे इसलिए पाउडर लगा रहा है शायान पहले। क्या बात है, शायान ने दिमाग लगाया आज तगड़ा। इस वक्त 4:20 हुए हैं और शायान की जो शेडो सेशंस है उसका समय शुरू हो गया है। तो शायान ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है आज शैडो प्रैक्टिस के लिए। शैडो भी ऑलमोस्ट डन होने वाली है, काफ़ी देर हो गया है, अभी थोड़ा सा और समय है। उसके बाद हम लोग खेलने वाले हैं मैच, टेरिस मैच, रॉबिन उथप्पा, शायान के रॉबिन उथप्पा सर के बैट से। काफ़ी यादगार वो दिन था, इसलिए शायान पाउडर लगा रहा था। ये देखो, ये बिल्कुल बुरी तरीके से गल चुका है, इसको निकाल ही देता हूँ क्योंकि इसमें ना बहुत बुरा हाल हो गया है, बिल्कुल हाथ गंदा हो रहा है। तो आज हम लोग ना इसमें नई ग्रिप लगाएंगे, ये वाली ग्रिप लगाएंगे। और शायान आज कह रहे हैं कि रॉबिन उथप्पा सर के, ये देखो यहाँ पे ऑटोग्राफ है, रॉबिन उथप्पा का ऑटोग्राफ है। तो इस पर और भी कई सारे प्लेयर्स के ऑटोग्राफ हैं, बट आज बोला रॉबिन उथप्पा सर वाले बैट से मैं मैच खेलूँगा। तो मैंने कहा चलो यार खेलते हैं, क्योंकि आज तो हम लोग बाहर कहीं जा नहीं सकते क्योंकि बारिश इतनी हुई है बहुत ज़्यादा, और कल शायान का मैच भी है। तो बस ऊपर वाले से ये दुआ है कि बारिश ना हो रात में, नहीं तो फिर हमारा अभी 2 हफ्ते से मैच कैंसिल हो ही रहा है, ये भी मैच कैंसिल हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये देखो हाथ की हालत देखो। ये बैट बिल्कुल तैयार है, अब शायान जैसे ही शैडो से फ्री होते हैं फटाफट हम लोग मैच खेलेंगे, बहुत मजा आने वाला है। वेलकम टू द क्रिकेट ग्राउंड गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे बिल्कुल ब्रांड न्यू मैच में। आज शायान ने जिद कर दी कि इस बैट से, जो कि रॉबिन उथप्पा का यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोग्राफ है, और रॉबिन उथप्पा सर की याद आ गई, शायान फोटो देख रहे थे मोबाइल में, उनके साथ जो मीटिंग हुई थी शायान की, तो वो देख करके एकदम से याद आया और कहने लगा कि आज मैं उसी बैट से मैच खेलने वाला हूँ। तो शायान ये बैट लेके आ गए हैं और काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, 5:45 इवनिंग के हो गए हैं, बहुत ही शानदार मौसम हो रहा है। हर आधे घंटे के बाद ऐसा लगता है कि बारिश होगी, फिर धूप निकल जाता है, पता नहीं क्या होने वाला है। तो हम लोगों ने सोचा चलो जल्दी से, अभी थोड़ा सा एक बार फिर से अंधेरा सा होने लगा हल्का हल्का, हमने कहा चलो जल्दी से मैच खेल लेते हैं। शायान तो मान ही नहीं रहा था, आज ग्राउंड जाना नहीं था, तो शायान की शैडो भी हो गई थी। मैंने कहा चलो सबसे पहले बैटिंग कौन करेगा आज, टॉस नहीं करेंगे क्योंकि पॉइंट्स तो हैं नहीं, तो तुम्हें जो लेना है पहले तुम बता दो, तुम्हें बैटिंग लेनी है या बॉलिंग लेनी है? बैटिंग लेते हो तो चलो शायान की गाइस पहले बैटिंग है, तो 12 बॉलों की मैच होगी, ये 6 बॉल का खेलते हैं, अच्छा 12 बॉलों का मैच होगा,
एक बार फिर से लास्ट मैच की तरह आपको रूल्स एक बार फिर से बता देता हूँ। दीवार में जैसे ही डायरेक्ट हिट करेगा ग्राउंड हिट तो दो रन है, और अगर वन बाउंस कैच सिंगल हैंड से लिया तो आउट है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। शायान एक बार फिर से 6 साल पीछे चले गए। 4 साल के थे तो शायान की मुलाकात रॉबिन उथप्पा सर से हुई थी, और शायान उन दिनों को याद करके बहुत ज़्यादा, तो तुम्हें याद है कैसा मुलाकात हुई थी? रॉबिन उथप्पा रणजी मैच खेलने आए थे और झारखंड से उनका मैच था। शायान एक्चुअली ईशान किशन से मिलने गए थे, ईशान किशन बहुत प्यार करते हैं शायान को, तो वहीं पे फिर रॉबिन उथप्पा से भी मुलाकात हुई थी मैच खत्म होने के बाद। एनीवे चलो, तो शायान मैच स्टार्ट करते हैं। शायान पहले बैटिंग करने वाला है और शायान को मिलेंगे 12 बॉल, देखते हैं कितना रन करता है। चलो स्टार्ट करें। गेट सेट गो, बॉल नंबर 1। बॉल पे खाता खोल लिया शायान ने, बिल्कुल रॉबिन उथप्पा स्टाइल में करारा शॉट, 2 रन। दो बॉल दो रन, 3 बॉल 2 रन, 3 फील्डिंग, 4 बॉल 4 रन। कैच नहीं हो जाता हो क्या यार, छूट जाना तो कैच ही था, वन बाउंस था। 6 बॉल 4 रन, इन्हें भी अच्छी फील्डिंग, 6 बॉल 4 रन, 7 बॉल 6 रन, 7 बॉल 6 रन। अरे बाएं हाथ का खेल है ये हमारा। 8 बॉल में निपटा दिया शायान को, 6 रन बनाए, मुझे जीतने के लिए चाहिए 8 रन। तो चलिए सेकेंड इनिंग स्टार्ट। पहली बॉल पे आउट हो यार, ये इतना छोटा बैट है यार, बड़ी मुश्किल हो रही है। अरे 1 बॉल 0 रन, अरे बच गया, जीत ही हो गया। 2 बॉल 0 रन,0 पे। अरे यार मुझे शर्म आ रही है, 0 पे फोल्ड हो गया, लास्ट मैच हार गया था ना इसलिए इतना खुश हो रहा है। चलो फिर मैं आ रहा हूँ, कोई बात नहीं यार। ये कट रहा था या फिर ये छोटा होने की वजह से कट रहा था, मैं ऐसे कर रहा था। मतलब कुछ तो है, मैं असल में चक्कर में बना करके इधर मारना चाह रहा था, उसी चक्कर में 2-2 3-3 हुआ। अरे यार एनीवे चलो कांग्रेचुलेशन, अगले मैच में फिर हराऊंगा मैं। एनीवे गाइस, शायान जीत गए हैं आज का मैच, बहुत ही इंटरेस्टिंग तो मैच नहीं हो पाया, एक तरफा मैच हुआ, शायान ने सारे स्कोर किए, मेरा तो 0 पे ही आउट हो गया मैं। एनीवे सिर्फ 6 रन पे आउट हुआ था शायान। हाँ, फर्स्ट इनिंग भी लग रहा था कि बहुत इजी होने वाला है, लेकिन बदकिस्मती से मैं 4th या 5th गेंद पे आउट हो गया। एनीवे मौसम इतना सुहाना हो रहा है, इतनी अच्छी हवा चल रही है कि यहाँ से जाने का तो दिल नहीं कर रहा है, मगर हमारा मैच भी ख़त्म हो गया, शायान का प्रैक्टिस भी ओवर हो चुका है, और अब हमें जाना भी है, शॉप पे कुछ काम है। तो चलो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।